हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माई सेल्फ शमशेर, पीएचडी मैथ्स. बेटा, 11th क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में. बेटा, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं. ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा प्रूव करने के हैं, प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में बेटा आपने क्या प्रूव करना है? ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. ये आपने प्रूव करना है. बेटा, दो सेट्स की इक्वालिटी के लिए आपको पता है. एक बार तो इस सेट को इसका सबसेट दिखा देंगे, फिर इस सेट को इसका सबसेट दिखा देंगे. ठीक है, क्योंकि आप जो मेन प्रॉपर्टी जानते हैं वो ये है कि दो सेट्स ए और बी इक्वल कब होते हैं? जब ए का हर एलिमेंट बी में हो और बी का हर एलिमेंट ए में हो. अब ए का हर एलिमेंट बी में होगा, इट मीन्स ए बी का सबसेट है. और बी का हर एलिमेंट ए में होगा, इसका मतलब बी ए का सबसेट है. ए बी का सबसेट होने का मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है, बी ए का सबसेट इसका मतलब बी का हर एलिमेंट ए में, यानी कि दोनों में सेम एलिमेंट है, दोनों इक्वल होंगे. तो बेटा, जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना हो तो फर्स्ट का हर एलिमेंट सेकेंड में दिखाना, फिर सेकेंड का एलिमेंट फर्स्ट में दिखाना. बस ये मोटो ध्यान रखो अपना. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो लेट एनी एक्स बिलोंग करता है ए डिफरेंस बी से. कोई भी एक एलिमेंट एक्स ले लीजिए जो ए डिफरेंस बी से बिलोंग करता है. अब बेटा, जो एक्स ए डिफरेंस बी से बिलोंग करता है, इसका मतलब एक्स ए से तो बिलोंग करता है और एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. ठीक है, अब बेटा जब एक्स ए से बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, एंड और जब एक्स बी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब एक्स कहाँ मिलेगा? बी के कॉम्प्लीमेंट में मिलेगा. अब आपने प्रूव कर दिया कि एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करता है और एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करता. अब इसका मतलब एक्स ए से बिलोंग करता है, बी से नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्स बिलोंग करता है बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. डिफरेंस आप इसी तरह जानते हो बेटा. ठीक है, अब एलिमेंट आपने यहाँ से लिया था, यहाँ दिखा दिया, इट मीन्स ए डिफरेंस बी सबसेट है किसका? बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. इसको बेटा नंबर एक डाल के छोड़ दे. अब इस सेट को इसका सबसेट दिखा देंगे. तो बेटा यहाँ से एक एक्स लेकर के चले. लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट से तो बिलोंग करता है एंड एक्स ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग नहीं करेगा. ठीक है बेटा, अब एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, इट मीन्स एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, और एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो इसका मतलब एक्स कहाँ पर है? ए में है. आपने प्रूव कर दिया कि एक्स ए से तो बिलोंग करता है और एक्स बी से बिलोंग नहीं करता, इट मीन्स एक्स कहाँ बिलोंग करेगा? ए डिफरेंस बी में, क्योंकि ए डिफरेंस बी में वही एलिमेंट होते हैं जो ए में होते हैं और बी में नहीं होते. बेटा ध्यान से समझिए, सारी की सारी डेफिनेशंस आपको बताई थी, डिफरेंस की, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, कॉम्प्लीमेंट की, हर डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो बेटा इसका मतलब बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए डिफरेंस बी का. अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में हमने पहले सेट का एलिमेंट दूसरे में दिखाया, फिर हमने सेकंड का एलिमेंट पहले में दिखाया, इसका मतलब दोनों के सेम एलिमेंट है और सेम एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे. इट मीन्स ए डिफरेंस बी इज इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट. इसके बाद चलते हैं बेटा पार्ट थर्ड में. बेटा थर्ड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी. तो बेटा इक्वल दिखाना है, तो पहले तो इसका एलिमेंट यहाँ दिखाएंगे, फिर इसका एलिमेंट यहाँ दिखाएंगे. सबसे पहले एक एक्स यहाँ से लेकर चलता हूँ. लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी. ठीक है बेटा, इसका मतलब एक्स ए से भी बिलोंग करेगा एंड एक्स बी डिफरेंस सी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में तो वही एलिमेंट आता है जो दोनों जगह होता है भाई.
अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, x a से बिलोंग करता है एंड, अब इस चीज को मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, x b से तो बिलोंग करेगा बट x c से बिलोंग नहीं करेगा। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा करता हूं, ध्यान आपका यहां होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b बट x belongs to A and x does not belongs to C। ठीक है, इसका मतलब x belong करे दोनों से करता है तो A intersection B से belong करेगा, और A में है और C में नहीं है तो इसका मतलब x A इंटरसेक्शन C से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन से होता था दोनों में होता, अब A में तो है लेकिन C में तो नहीं है, तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन C में नहीं है। इफ X इस सेट में बिलोंग करता है और इसमें बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब X कहाँ बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। अब बेटा आपने X यहाँ से लिया था और यहाँ दिखा दिया, इट मीन्स A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C, नंबर एक डाल दिया। अब बेटा यहां से लेकर चलो X, लेट एनी X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C। अब इसको हम ये मान ले, इसको हम B मान ले, X यहां से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, X A इंटरसेक्शन B से तो बिलोंग करता है एंड X A इंटरसेक्शन C से बिलोंग नहीं करता। अब X दोनों से बिलोंग करता है तो इसका मतलब X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, इसका मतलब तो ये हुआ, और यहाँ से X इंटरसेक्शन में नहीं आता तो इसका मतलब X A में तो है, क्योंकि ये बात तो हम यहाँ भी प्रूव कर चुके हैं, बट X C से बिलोंग नहीं करता। अब दोनों में से ये चीज को मन निकाल दो भाई, आप ये चीज को मन निकालोगे तो X A से बिलोंग करेगा एंड X B से तो बिलोंग करता है लेकिन C से बिलोंग नहीं करता, तो X B डिफरेंस C से करेगा, तो इसका मतलब X कहाँ बिलोंग करेगा, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C। ठीक है, इसका मतलब X यहाँ से लेकर यहाँ दिखा दिया तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B डिफरेंस A इंटरसेक्शन C सबसेट है किसका, A इंटरसेक्शन B डिफरेंस C का, इसको नंबर दो डाल दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, जो रिजल्ट है बेटा वो आपका प्रूव हो गया, क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा हम इसके फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट क्या बोलता है, आपने प्रूव करना है ए यूनियन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस, ए यूनियन बी डिफरेंस C डिफरेंस A, ऐसा बेटा आपने प्रूव करना है, A यूनियन B डिफरेंस C इज इक्वल्स टू A यूनियन B डिफरेंस C डिफरेंस A, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले एलिमेंट यहां से लेकर के चलते हैं, लेट एनी X बिलोंग करता है A यूनियन B डिफरेंस C से, इफ एक्स इन दोनों की यूनियन से है इट मीन्स एक्स या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दिस इंप्लाइज दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस सी, दिस इंप्लाइज दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स does not belongs to C, it means either
एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि एक्स या तो ए में है या फिर बी में, तो इसका मतलब यूनियन में होगा। अब एक्स सी में नहीं बिलोंग नहीं करता और ए में बिलोंग करता है, एंड एक्स सी में बिलोंग नहीं करता और एक्स ए से बिलोंग करता है। दिस इम्प्लाइज दैट आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी में। अब एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में एंड, और जब एक्स ए डिफरेंस सी में बिलोंग करता है तो इसका मतलब सी डिफरेंस ए में बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ए में है सी में नहीं, इसका मतलब सी में ए में नहीं, तो इसका अपोजिट हो गया ना, तो यहाँ बिलोंग करता है तो यहाँ बिलोंग नहीं करेगा। इट मीन्स एक्स यहाँ है और या नहीं है, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए। इसको डाल दे बेटा, इसका मतलब ए यूनियन बी डिफरेंस सी। आप एक बात का ध्यान रखें कि आप प्रूव क्या करना चाहते हैं, बस लेफ्ट से राइट प्रूव करना तो राइट पे ध्यान रखें, राइट से लेफ्ट प्रूव करना तो लेफ्ट पे ध्यान रखें। सबसेट है ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए, क्लियर। नंबर एक डाल दिया, अब यहां से लेकर चलो यहां दिखा देंगे। लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए, इट मीन्स एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी से एंड एक्स बिलोंग नहीं करता सी डिफरेंस ए से। इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस सी, सी डिफरेंस ए में नहीं, डिफरेंस सी में मिलेगा। इट मीन्स एक्स ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है, और इसका मतलब एक्स ए से बिलोंग करता है और एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स एक्स ए से तो बिलोंग करता है या फिर एक्स बी डिफरेंस सी से बिलोंग करेगा, क्योंकि बी से बिलोंग कर रखता है और सी से नहीं करता। ये ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान रखते हुए, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी डिफरेंस सी से। अब राइट से लिया था लेफ्ट में दिखा दिया, इट मीन्स ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए सबसेट है ए यूनियन बी डिफरेंस सी का, क्लियर बेटा। इसको नंबर सेकंड डाल दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अब फर्स्ट में हमने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड का एलिमेंट राइट में है, सेकंड में का राइट का एलिमेंट लेफ्ट में, तो इसका मतलब दोनों में सेम एलिमेंट है तो दोनों सेट इक्वल हो गए। इट मीन्स ए यूनियन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस सी डिफरेंस ए, क्लियर बेटा, एंस प्रूव्ड। इसके बाद चलते हैं बेटा इसके फिफ्थ पार्ट में, फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट। बेटा फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, ए डिफरेंस सॉरी ए यूनियन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस सी, ऐसा आपने प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है ना। तो एक बार तो इसका एलिमेंट यहाँ दिखा देंगे, फिर इसका एलिमेंट यहाँ दिखा देंगे। हर सवाल में दो पार्ट बनते हैं बेटा इक्वल वाले में। तो देखिए, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी डिफरेंस सी, आप इसको एक सेट ए माने, इसको बी माने, ये कोई भी एक्स यहाँ बिलोंग करता है यहाँ बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो डिफरेंस का, इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से एंड एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। अब यूनियन में कब आता है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इसको दोनों के साथ अलग अलग लिख दो। क्यों लिखे जा रहे हैं, कारण आप समझ गए होंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, फिर और एक्स बिलोंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी से,
क्योंकि ये मेहर्षि में नहीं है, और एक्स बिलोंग करेगा बी डिफरेंस सी से। इफ एक्स या तो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे, तो इसका मतलब यूनियन मिलेगी। एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी, यूनियन बी डिफरेंस सी। लेफ्ट से लिया था राइट में दिखा दिया, इट मीन्स ए यूनियन बी डिफरेंस सी सबसेट है किसका, ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस सी। इसको नंबर एक डाल दीजिए बेटा। इसके बाद राइट हैंड साइड से एक्स लेकर चले, लेट एनी एक्स बिलोंग करता है ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस सी। अब कोई भी एलिमेंट इन दोनों की यूनियन से बिलोंग करता है, या तो यहाँ से या यहाँ से। दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस सी और एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस सी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स ए से बिलोंग करता है एंड एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बी से बिलोंग करता है एंड एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। ये दोनों रिजल्ट इकट्ठे लिख देते हैं, ये अलग कर देते हैं। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब एक्स ए यूनियन बी से तो बिलोंग करता है बट एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। ये लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा आपका ध्यान रहना चाहिए पूरा का पूरा, ये सब कुछ लिखते हुए कि हम एक्स को कहाँ दिखाना चाह रहे हैं, ये बात आपके माइंड में रहे हमेशा। एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी डिफरेंस सी से, बोलो है कि नहीं है। तो लेफ्ट राइट से लिया, लेफ्ट दिखा दिया, तो इसका मतलब बेटा ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस सी सबसेट है ए यूनियन बी डिफरेंस सी का। इसको नंबर दो डाल दो। अब बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ए यूनियन बी डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए डिफरेंस सी यूनियन बी डिफरेंस हेंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा? तो इस तरीके से बेटा आप जब भी दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना, तो एक बात ध्यान रखें, मेन प्रॉपर्टी है कि बेटा जब ए बी का सबसेट दिखाना है, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है, और बी ए का सबसेट है इसका मतलब बी का हर एलिमेंट ए में है, तो इन दोनों को कुल मिला के क्या रिजल्ट निकला कि ए और बी दोनों इक्वल है। बस ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपने दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना है तो पहले तो ए को बी का सबसेट दिखाओ, फिर बी को ए का सबसेट दिखाओ, बेटा दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सारे के सारे पार्ट करेंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं इसके सिक्स पार्ट में। इसका बेटा जो सिक्स्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, ऐसा आपने प्रूव करना है। तो पहले लेफ्ट से लेके राइट में दिखा देंगे, फिर राइट से लेके लेफ्ट में दिखा देंगे। लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, इट मीन्स एक्स ए इंटरसेक्शन बी से तो बिलोंग करता है और एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। अब इंटरसेक्शन में कब आया, जब दोनों में है, इट मीन्स एक्स ए से बिलोंग करता है एंड एक्स बी से बिलोंग करता है बट एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। अब इसको दोनों जगह अलग अलग करो, एक्स ए से बिलोंग करता है बट एक्स सी से बिलोंग नहीं करता, एंड एक्स बी से बिलोंग करता है और एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी से, ए से बिलोंग करता है सी से नहीं करता, और इसका मतलब एक्स बिलोंग करेगा बी डिफरेंस सी से। तो बेटा एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी,
इसको नंबर एक डाल दीजिए। इसके बाद बेटा राइट से ले लो, लेट एनी एक्स बिलोंग्स टू ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। अब इंटरसेक्शन में कब आता है, जब दोनों में हो। इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए डिफरेंस सी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस सी। अब ए एक्स ए डिफरेंस सी, इसका मतलब एक्स ए से बिलोंग करता है बट एक्स सी से बिलोंग नहीं करता, एंड इसका मतलब एक्स बी से बिलोंग करता है और एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। अब इन दोनों को आप इकट्ठा लिख दो, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। इट मीन्स एक्स, अब आपका लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान होना चाहिए, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से एंड एक्स सी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है और सी से नहीं करता, तो यहाँ बिलोंग करेगा। अब बेटा आपने प्रूव कर दिया ये नंबर सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट का मतलब क्या था, ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी सबसेट है ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी। एंड सेकंड का क्या मतलब है, ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी का, और इन दोनों का मतलब दोनों आपस में इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए डिफरेंस सी इंटरसेक्शन बी डिफरेंस सी, एंड प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। हर क्वेश्चन को ध्यान से करें।